हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। अभी मॉर्निंग के 10 बज रहे हैं और अभी मैं आज गाड़ी की सर्विस कराने के लिए जाऊंगा दौसा। तो आज देखते हैं गाड़ी में सर्विस करवाते हैं क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। 2-3 दिन से प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही थी गाइस, और सर्विस कराए भी काफ़ी दिन हो गए थे। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं गाइस। गाड़ी की फ़िलहाल कंडीशन ये है और अब करवाएंगे आज सर्विस। चलते हैं सर्विस सेंटर। गाइस ट्रायल हो गया है अभी अभी जो भी प्रॉब्लम होगी उनने आप इनके हिसाब से देख लिए और अभी सर्विस करेंगे। इंद्र यादव भैया हैं जो ट्रायल ले रहे हैं और अभी देखते हैं क्या क्या इनको प्रॉब्लम आई है, ये अभी देख के बताएंगे। हमें आपको मिलाएंगे फिर बाद में, जो भी बात जो भी रिप्लेसमेंट है या कोई चीज़ नई ऐड करेंगे वो सब बातें बताएंगे आपको। तो गाइस ट्रायल ले लिया है, देख लिए गाड़ी, मतलब थोड़ी आवाज़ कर रही थी तो अब देखते हैं। उनको हैंड ओवर कर दिया हमने सर्विस के लिए और हम अभी यहाँ रेस्ट कर रहे हैं। टाइम लगेगा, उन्होंने कहा अभी टाइम लगेगा, यहाँ पे विश्राम गृह में विश्राम कर रहे हैं। मतलब विश्राम गृह तो क्या है, सोफा लगा रखा है उसी में बैठे हुए हैं दोनों। और ये उन्हीं इतना ज़्यादा है तो देखिएगा इस कैसे रात को जगा था, पता नहीं क्या किया था या ऐसा इतने सो रहा है। ये देखिए आप, ऑयल फिल्टर। अच्छा तो ये चेंज होगा या चेंज होगा? तो ये कितने समय के लिए रहता है? हर सर्विस पे चेंज होता है वो। अच्छा अच्छा ये देखिए गाइस ऑयल फिल्टर है, चेंज होगा भी। ऑयल बाहर आ गया है, खोल दिया इसको, जो ये नया वाला ऑयल फिल्टर लगा रहे हैं। नया वाला ऑयल फिल्टर लगा दिया ही। कमल जी अब कैलीपर चेक कर रहे हैं, देखेंगे अब उनकी अगर वो ख़त्म हो गए होंगे तो चेंज करेंगे। नया कैलीपर लगा रहे हैं गाइज, वो ख़राब हो गया है, ख़त्म हो गया है। ये देखिए आप, ये नीचे वाला, और अब नया लगा दिया है इसमें। ये देखिए कैलीपर लगा दिया है और गाइज ब्रेक पैड भी ख़त्म है तो ब्रेक पैड भी चेंज कर रहे हैं। ये देखिए ये ब्रेक पैड है, ये देखिए कैलिपर और ब्रेक पैड दोनों लगा दिए नए। दूसरी साइड का भी कैलिपर और ब्रेक पैड दोनों चेंज किए हैं, दोनों ही इस साइड के भी दोनों ख़राब थे और उस साइड के भी दोनों ख़राब थे, राइट और लेफ्ट दोनों। तो अभी ये कैलिपर लगा दिया है और ब्रेक पैड लगाएंगे अभी। नरेंद्र जी
ऑयल डालेंगे, इंजन ऑयल, तो एलिक्स कंपनी का है, मारुति सुजुकी का। तो बताइए नरेंद्र जी। हाँ डाल रहा हूँ सर ऑयल, अभी ऑयल निकाल दिया था सर, उसकी गाड़ी है, इंजन ऑयल चेंज कर रहा हूँ, फिर इसको रोटेट करके देखूँगा गाड़ी में। ये ऑयल डाला जा रहा है, मारुति सुजुकी कंपनी का है, एलिक्स का। पहले ऑयल निकाल दिया था, 3 लीटर का इसका कैपेसिटी होती है, 3 लीटर। फिल्टर है ये बिल्कुल ख़राब हो गया है, इसको रिप्लेसमेंट करेंगे, इसकी जगह पे नया एयर फिल्टर डाल रहे हैं जो मारुति कंपनी का है, 3-9-5। बोतल में कार्बन क्लोराइड जमा हुआ है, छोटी ये बोतल लेके आ, 2 किलो के आई। हाँ बैटरी का पानी चेक करना है, अभी बैटरी पे मॉइस्चर आ रहा है कार्बन का, तो बैटरी बहुत सूखी है, पानी खत्म हो गया है बैटरी का। बैटरी में अब डिजिटल वाटर डालेंगे, इसमें बिल्कुल पानी नहीं है, नरेंद्र जी बता रहे हैं कि बैटरी सूख गई है, तो अभी इसमें डिजिटल वाटर डालेंगे। डिजिटल वाटर डाल रहे हैं बैटरी में, थोड़ी ही देर में कूलेंट बाहर आने वाला है, फिर रेडिएटर को क्लीनिंग करेंगे, क्लीनिंग करके नया कूलेंट डलेगा, इसमें गाड़ी ओवर हीट नहीं होगी, आराम से आराम से। ये कूलेंट बिल्कुल ख़राब हो चुका है, बिल्कुल पानी पानी है, गाड़ी ओवर हीट हो रही है। रेडिएटर चौंक हो रहा था इतना, अभी थोड़ी देर में साफ हो जाता है, नीचे लोग दूर से जाओ, ये सफाई कर रहे हैं, देखिए पानी डाल के प्रेशर से। अब ये अब इसमें नया कूलेंट डालेंगे, पूरा क्लीन कर दिया, अब नया कूलेंट डालेंगे। ये देखिए आप, पूरा पानी डाल के प्रेशर से क्लीन कर दिया है, यहाँ से डाला गया पानी प्रेशर के साथ। अभी अंडर बॉडी चेक हो रही है गाड़ी की, पैड सर्विस पे गाड़ी आई है, जनरल चेकिंग हो रही है, अभी कुछ ही टाइम पे इसको नीचे लेंगे जिसमें कूलेंट वगैरह डलेगा। चेक कर लो पीछे से शॉकर वगैरह के बोल्ट, सर जनरल चेकिंग कर रहे हैं गाड़ी की। कूलेंट डलेगा जो कूलेंट है शेल कंपनी का ओरिजिनल कूलेंट है, इसमें 2 लीटर कूलेंट डलेगा, डिस्ट वाटर होगी।
अंडर अपना। ये कूलेंट पूरा डल चुका है, अभी गाड़ी स्टार्ट करेंगे, उसमें डिस्ट्रो वाटर वाटर ले रहा हूँ। तो स्टार्ट करें अब ये फैन चलेगा, फैन चलने पे इसका रेडिएटर का कूलेंट का सर्कुलेशन बनेगा जिसमें खाली होगा थोड़ा बहुत, उसमें फिर ड्रिंकिंग वाटर डालना पड़ेगा टॉपअप करने के लिए। ये वाइपर का पानी है खाली है पूरा टाइम। करण भाई की देख रेख में गाड़ी की सर्विस हो रही है, वो देखिए उधर माथे के तौलिया बांध के कैसे खड़ा है। गाड़ी में एसी फिल्टर चेक कर रहे हैं, एसी फिल्टर बहुत गंदा है, इसमें सुई की पोटी वगैरह सब, ओहो और डस्ट वगैरह सब भरी है इसमें। ये देखिए कितनी हालत खराब है एयर फिल्टर की, इसमें एसी की प्रॉपर हवा नहीं आ रही, अभी एसी फिल्टर लगाते हैं इसमें। ये देखिए पुराना एसी फिल्टर, अब नया लगाएंगे। गाइस बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, तभी हम सोचे गाड़ी चिल्ड क्यों नहीं हो रही। करण भाई तो बार बार ये इसको बढ़ाता रहता है, एसी फिल्टर लगा रहे हैं, नया एसी फिल्टर लगाएंगे। ये देखिए एसी फिल्टर लग चुका है, उसको ग्लो बॉक्स को फिट कर रहा हूँ। ये मारुति सुजुकी का G9 एसी फिल्टर है, फील्ड आ रही है हवा। अच्छा मजा आ गया, क्या बात, बहुत मजा आ रहा है। एसी बहुत अच्छा काम कर रहा है, फिल्टर चौक था, फिल्टर अपन ने चेंज कर दिया प्रॉपरली से, हवा प्रॉपर आ रही है, बहुत अच्छी हवा आ रही है, कूलिंग भी कर रहा है, मज़ा आ गया शानदार। आगे हेडलाइट, हाँ हेडलाइट चेक कर रहे हैं, ये देखिए प्रॉपर वर्क कर रही है हेडलाइट, इंडिकेटर वाइपर सब चेक कर रहे हैं। लाइटें भी लटे चेंज होंगी, वाइपर की ब्लेडें कटी हुई हैं दोनों, इसका बिल्कुल क्लीन नहीं हो रहा, उसको अभी चेंज करते हैं, कान हटाओ। ठीक है अपन मोटर ट्राई करके देखते हैं, इंजन का साउंड अच्छा हो गया है, पहले गाड़ी वॉकिंग वगैरह नॉइज कर रही थी। सर्विस कंप्लीट हो गई है, अब टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं, देखते हैं कोई कमी तो नहीं है। नरेंद्र जी टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं और पहले जो नॉइज आ रही थी वो भी नहीं आ रही अभी, और इंजन की भी प्रॉपर आवाज़ आ रही है, प्यारी आवाज़ आ रही है बिल्कुल, एसी भी प्रॉपर कूलिंग कर रहा है। गाड़ी ओके चल रही है, मतलब बिल्कुल सही चल रही है गाड़ी, दब नहीं रही है बिल्कुल, सर्विस के बाद में अच्छा काम हो गया है गाड़ी पर, अब 10,000 किलोमीटर पे फिर सर्विस होगी इसकी। सबकी नजर यहाँ है।
हर चीज राज है, अब है जो है वो समा है। ये नए वाइपर लगा रहे हैं, वो वाइपर खराब हो गए थे, नए दोनों वाइपर नए लगा दिए। अब गाड़ी वॉशिंग के लिए लगा दिए। Bye.